हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की जो सीएचएसएल 2020 की कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ की गाइस मैं बात कर रहा हूँ कि फाइनल कट ऑफ एसएससी सीएचएसएल 2020 में कितनी जा सकती है। दो तरीके से कट ऑफ को डिस्कस करूँगा, पहला जो प्रीवियस ट्रेंड है उस बेसिस पर, दूसरा रैंक बेसिस पर कैटेगरी कंपेरिजन करूँगा और एलडीसी और पीएएसए की अलग अलग पोस्ट के बारे में बात करूँगा। वैकेंसीज़ की भी बात करूंगा इस वीडियो में, कितनी वैकेंसीज़ जो स्टेट वाइज हैं वो रिसीव हो चुकी हैं हमारे पास, कितनों की आरटीआई पेंडिंग है वो भी दिखाऊंगा, किस किस डिपार्टमेंट की स्टेट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो लोग अभी गाइडेंस के लिए जुड़ते जा रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, जैसे ही टाइपिंग हो जाती है उसके बाद गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि काफ़ी गलत डिसीजन लेते हुए मैं कैंडिडेट्स को देख रहा हूँ। कल भी एक कैंडिडेट से बात हुई, वो क्या बोलते हैं कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो को वो प्रेफर कर रहे हैं एलडीसी में, विदाउट एनी नॉलेज की ग्रुप पर ऐसा चल रहा है कि आईबी अच्छा है या फिर नेवी हेडक्वार्टर अच्छा है। गाइज, इस टाइप से डिसीजन मत लेना, बहुत गलत हो जाएगा, मार्क्स लाने के बाद भी बेकार हो जाएगा, फिर से एग्ज़ाम सीएचएसएल में अगर दे रहे हो फिर वही चीज़ रिकरिंग होगी, तो इस चीज़ को अवॉइड करना, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस ले लेना। आइए वीडियो करता हूँ शुरू, ठीक है। पहले आपको बता देता हूँ कि 2018 में जो वैकेंसीज थी, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो 2018 की वैकेंसीज हैं ये 964 थी, ठीक है। मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ ना इस वीडियो में, वो लास्ट थ्री इयर्स की बात करूँगा, 2018, 19 और इस साल 20 की। ज़्यादातर जगह पर आपको सिर्फ दो ईयर का कंपेरिजन मिलेगा और इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन मिलेगा कि पिछले साल 12 नंबर ज़्यादा थे, इस साल 14 नंबर ज़्यादा देंगे। गाइस, दिस डजंट वर्क लाइक दिस, थोड़ा सा चेंज जो पैटर्न है वो कैसे रहेगा, कैटेगरी में जो लोग सेलेक्ट हुए और जो जनरल में सेलेक्ट हुए उनमें बहुत डिफरेंस आने वाला है इस बार। कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की सीट्स ज़्यादा हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस बार डीवी स्किप ज़्यादा करेंगे, पिछली बार ही डीवी स्किप थोड़ा सा हुआ सीजीएल 19 का रिजल्ट जबकि नहीं आया था, इस बार सीजीएल 19 डिक्लेयर्ड है। सीजीएल 20 का भी आपको देखोगे मार्क्स आ चुके हैं, तो कैंडिडेट्स को अच्छी खासी अवेयरनेस है, तो वो शायद डीवी में ना जाए, ये हाईली पॉसिबल है जिनके नंबर अच्छे, क्योंकि सीजीएल 20 पर कोई कोर्ट केस नहीं है। सीएचएसएल 19 का भी रिजल्ट आ गया, जिनको पोस्ट मिल गई है जो वो चाहते थे वो भी शायद अपीयर ना हो, इस वजह से कट ऑफ पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आइए मैं करता हूँ इस वीडियो को शुरू, ठीक है। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि कितनी 964 वैकेंसी थी 2018 में, तब टीयर 2 तक कट ऑफ 190 थी, फाइनल कट ऑफ में 23 नंबर का फर्क दिखा। वैकेंसी 2019 में 604, 222 कट ऑफ, 243, ये एलडीसी की बात कर रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड, एलडीसी ना कि मैं पीएएसए, लोएस्ट कट ऑफ की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो तब भी यहाँ पर आपको देखोगे कि 20 नंबर का, लगभग 21 नंबर का इंक्रीमेंट था दोनों केस में। इस बार 670 वैकेंसीज हैं, 209 कट ऑफ है, पर क्योंकि जैसे डीवी स्किप का फैक्टर काम करेगा, प्लस जो कैटेगरी में वैकेंसीज हैं ईडब्ल्यूएस में वो ज़्यादा हैं, कुछ कैंडिडेट जो है अब यूआर में नहीं रहे हैं, उस वजह से बहुत सारे फैक्टर्स बनेंगे। पहले ईडब्ल्यूएस उतने कैंडिडेट का नहीं बना था, वो यूआर में थे, इस बार वो अपनी कैटेगरी में रहेंगे। सीएचएसएल एक बहुत ही अलग एग्ज़ाम है, इसमें क्या होता है कि कैटेगरी में सिलेक्शन लेने पर आप अगर कैटेगरी में हो और यूआर से सिलेक्शन लेते हो तो सीट भी यूआर से अलॉट होती है। पिछले बैच में गाइडेंस के मैंने ये चीज़ बहुत लोगों को गाइड करी और उनको मैंने बचाया पीएएसए में साउथ जाने से, और उनको मैंने वो पोस्ट दिलाई जो कि मेरे अकॉर्डिंग और जो उनके अकॉर्डिंग बेस्ट थी। इसलिए ज़रूर जुड़ जाना अगर आप इस चीज़ में चाहते हो कि आपका डिसीजन गलत ना हो, बाद में रिग्रेट ना हो, जो भी है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो आप देखोगे नीचे जो चल रहा है वहाँ पर, अगर आपको देखना है कैसे जुड़ना है, स्टडी मटेरियल गाइडेंस के लिए मेल करना है sscore@sscore.com, ठीक है। फाइनल कट ऑफ जो जा सकती है वो 226, ऐसे ही ओबीसी की 366 वैकेंसीज़ के करीब थी जो यहाँ पर थी, और 167 कट ऑफ थी, फिर उसके बाद इतने ज़्यादा इंक्रीमेंट, सेम 2019 में 351 से 215, इतना लॉजिकली आपको समझना है। तो मैंने स्क्रीन पर सब कुछ शेयर करा हुआ है। मैं यहाँ 2020 की बात करूँ, अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है 2020 में ओबीसी में एलडीसी की, पॉइंट टू बी नोटेड एलडीसी की, तो कट ऑफ जो है ज़्यादा नहीं जाएगी, 217 या इससे कम ही रहेगी एलडीसी की। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में 135 है, ये भी अब तक की सबसे ज़्यादा है, तो इसकी कट ऑफ 210 के अप्रोक्स जाएगी प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए। रैंक की भी अभी बात करूंगा, थोड़ा बहुत आइडिया रैंक का आपको दे दूंगा इसी वीडियो में, प्रॉपर आइडिया जो है वो मैं बाद में निकालूंगा और गाइडेंस बैच में प्रोवाइड करूंगा रैंक का भी। एससी एसटी का भी आप देख सकते हो 203 और 197, ये बात थी एलडीसी की। अब मैं अगर बात करूँ पीएएसए, पोस्टल असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट, दोनों पोस्ट में क्या डिफरेंस है वो भी एक वीडियो अलग लेके आऊँगा। वैकेंसी 2018 में इतनी थी पीएएसए की, ठीक है, फिर ऐसा क्या हुआ कि कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं गई,
और उतनी ही गई जितनी एलडीसी गई, क्योंकि उस टाइम पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। इस टाइम पर देखोगे 1509 है सिर्फ, पिछले साल से कम है पीएएसए में जनरल की। तो कट ऑफ जो है, जो टीयर टू की पिछली बार इनकी कट ऑफ थी, उतने कैंडिडेट यहाँ पर फाइनल कट ऑफ में यहाँ भी 222 पर दिखाई देंगे, जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो, ठीक है। ओबीसी में 216 क्रॉस नहीं करेगी, ईडब्ल्यूएस में 205 क्रॉस नहीं करेगी, एससी में 198 और एसटी में 190। ये जो एनालिसिस है पूरी कंप्लीट एक ट्रेंड के ऊपर है और रैंक के ऊपर है, कैटेगरी कंपैरिजन के ऊपर है कि एससी में अगर इतने कैंडिडेट गए हैं, जितनी सीट है वो भी आपको दिखा देता हूँ। चलो ये देख लीजिए कंपैरिजन वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, 209 पर सारे मैंने मार्क्स रख दिए कितने कैंडिडेट अभी सेलेक्ट हुए, 209 पर सारे के सारे मैंने इन कैंडिडेट को सीट्स दे दी। अब देखोगे यहाँ पर कि 195 कैंडिडेट एसटी के हैं और सीट इनकी 310 है, तो ऑब्वियसली इसकी कट ऑफ 209 से कम जाएगी और 10 नंबर का कम से कम एक डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा कि एसटी में गैप ज़्यादा है, डेंसिटी कम है, यूआर में भी कम है, ओबीसी में एक नंबर पर 250 के करीब बच्चे, ईडब्ल्यूएस में 100 के करीब बच्चे। इस पूरे ट्रेंड को एनालाइज करने के बाद मैंने एक चीज़ करी है, वो ग्राफ मैं पूरा प्रिडिक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा जो पूरी एनालिसिस के बाद, ठीक है। 209 पर यहाँ पर 12,500 के करीब स्टूडेंट है, 212 पर देखोगे तो 11,000 के करीब है। अब ये कैसे आए ये भी थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ देखोगे तो आप ओबीसी में 199 है और जनरल में 209 है, यहाँ पर 7,500 है और यहाँ पर देखोगे तो 5,200 है, यानी कि 2,000 स्टूडेंट आ गए 10 नंबर पर, एक पर 200। ये ओबीसी की बात है, सेम जनरल सेम ईडब्ल्यूएस सबको मिला के करीब करीब 1400 बच्चे कम हो जाएंगे, फिर 9,000। इस टाइप से ट्रेंड चलेगा, मैं अपने पूरे एक्सेल में इसको बना के रिग्रेसिव टेक्निक से बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अभी मैं कट ऑफ का आईडी दे रहा हूँ। सीएचएसएल 2020 में स्टेट वाइज वैकेंसी अभी तक कहीं पर नहीं है, कुछ कुछ की है, सारी चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा आपको। सीजीएस, सीजीडीए, सीजीसीए, पीए एडमिन, टेली कम्युनिकेशन, हाउसिंग अर्बन, आईएच क्यू, सीएसडी, डीजी हेल्थ, सबकी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना चैनल को, सारी वैकेंसी इसी चैनल पर यहीं पर प्रोवाइड करूंगा मैं स्टेट वाइज, ठीक है। बात करते हैं पीएएसए की, पीएएसए यहां पर शेयर कर रहा हूं स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां तक टोटल वैकेंसीज है ये। आगे चलते हैं, आगे देखोगे आरटीआई जो लगाई गई है, मैंने लगाई है, मेरा नाम हेमंत कुमार गुप्ता है, ये देखोगे आप स्क्रीन पर, जैसे ही आएगा आपके साथ रिप्लाई शेयर करूंगा। सारे डिपार्टमेंट है, सीजीसीए हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपको चीज़ें समझ आई हो तो मैं लंबी वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, जो बात है टू द पॉइंट करता हूँ, घुमाता नहीं हूँ बिल्कुल भी बात को, क्रिस्प इन्फॉर्मेशन रहती है इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एसएससी कोर 123 टेलीग्राम पर जरूर जुड़ना पीडीएफ के लिए, एमटीएस और एनालिसिस के लिए वेरियस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ सकते हो, एसएससी कोर सर्च कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।